दिल्ली से आगरा के बीच के सफर को यमुना एक्सप्रेसवे ने काफी हद तक आसान किया है, लेकिन इसी के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर कई बार दाग भी लगे, कई बार सड़क हादसे हुए और अक्सर तेज रफ्तार ही इन हादसों के पीछे वजह रही। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों के बाद स्पीड लिमिट को कम किया गया। इसी के साथ अब सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत की गई, जिससे कि चालकों को जागरूक किया जाए। जेवर टोल प्लाजा पर इसकी विधिवत रूप से शुरुआत की गई है। इस दौरान आने जाने वाले लोगों को पर्चे बांटकर सुरक्षा संबंधित जानकारियां दी गई। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, इन सब की जानकारी चालकों को दी गई। जरूरी है, मैंने शुरू में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 22,000 रोड एक्सीडेंट से डेथ हुई है, और जबकि कोविड से केवल 8,500 हुई है। तो कोविड से भी ज़्यादा भयानक है ये, पैंडमिक से ज़्यादा भयानक है, और 3 गुना ज़्यादा लोग जान देते हैं रोड एक्सीडेंट में। तो उसको कम करने के लिए जो उपाय हैं, लोगों को अवेयर करना, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में सुधार करना, इन्फोर्समेंट करना, और जो टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करना, जैसे यहाँ पर एक ऐप लाया गया था हाईवे साथी ऐप, कि लोग उसको डाउनलोड करके चलें, अगर कोई बात होती है, गाड़ी ख़राब होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उनको अपने आप ऐप में दिख जाएगा कि नियरेस्ट लोकेशन पे क्या हमारे पास एम्बुलेंस है, क्या हमारे पास कौन सी क्रेन है जो कि गाड़ी को टोचन करके ले जा सकती है। लेकिन उसका प्रयोग भी 100% लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ऐसा मैकेनिज्म हम लोग एक तैयार कर रहे हैं कि जैसे गाड़ी आए वो अपने आप डाउनलोड हो जाए, और स्टार्टिंग पर भी एक पॉइंट लगाया जाए कि वहाँ पर अगर ऐप हो तभी आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ अब यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्ट टैग की सुविधा भी जल्द ही शुरू की जाएगी। जेपी कंपनी ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर क्रैश बीम लगाने के लिए जेपी कंपनी तैयार। कंपनी की तरफ से टेंडर भी जारी किए गए हैं और 27 जनवरी को बेड खुलेगी। कंपनी का चयन होते ही काम भी शुरू होगा। उधर यमुना एक्सप्रेसवे पर किस तरह से हादसों पर कंट्रोल पाया जाए और कैसे राहगीरों को और सुविधा दी जाए, इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। उसमें तो पहले रोड यूज़र को एजुकेटेड करने के लिए हम पॉम्पलेट बांटेंगे, उसके बाद रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जो है, जो रात में ट्रैक्टर चलते वो दिखता नहीं है, तो उस पर चिपकाएंगे। हेल्थ चेक का चेकअप करेंगे ड्राइवरों का, जो भी बड़ी वाहन चलाते दूर से आते हैं, उनका आई चेकअप होगा। उसके बाद ड्रंक एंड ड्राइव का उसका टेस्ट होगा पुलिस की मदद से, जो रॉन्ग साइड से चलते हैं, जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, उसके लिए भी पुलिस के सहयोग से ड्राइव होगा। एज वेल एज जो स्ट्रक्चर्स है उसकी मरम्मत, अगर ठीक उसकी सब चेकिंग होगी, जो ब्लैक स्पॉट्स है उसकी चेकिंग होगी, जो हमने उपाय किए थे उसके बाद कितने एक्सीडेंट हुए नहीं, उसका रिसर्च हम करेंगे। ये पूरे महीने में ये सारी बातें हो जाएगी। हाँ, हमारा तो हमेशा वही लक्ष्य रहता है, तो इस माह में हम कोशिश करेंगे तो कोई एक्सीडेंट ना हो। दिल्ली से आगरा और मथुरा के लिए लोगों की लाइफलाइन बनी यमुना एक्सप्रेसवे कई बार सड़क हादसों का गवाह है। कई बार चालकों की लापरवाही तो कई बार मौसम की मार ने इस एक्सप्रेसवे पर दाग लगाया, लेकिन अब फिर से यमुना एक्सप्रेसवे को बदलने की शुरुआत हो रही है, ताकि हादसों को कम नहीं बल्कि खत्म किया जाए। मतलब यमुना एक्सप्रेसवे 0 सड़क हादसे वाला एक्सप्रेसवे बने और यात्रा मंगलमय हो।